अभी हमने सुना डॉक्टर गुलेरिया से कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इम्प्रूविंग अगेंस्ट पैंडेमिक्स, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुचित्रा एला, वो को फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक के। सुचित्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका कितना योगदान है इन अचीविंग लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का? जो हम पैंडेमिक से अभी ये 3 साल से हम बाहर आ चुके हैं, मगर हमारे देश में भी इतनी बड़ी काम और यू नो एफर्ट्स आई वुड से एंडेवर्स हो चुके हैं इसके बारे में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मा, लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज ने जो भी कुछ किया है, सारे एंटीवायरल्स के बारे में भी हम इधर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हमारा ताकत है, हमको इतने सी स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत सारे हमारा प्रोडक्ट्स सारे दुनिया बहुत देशों के भी हमारा प्रोडक्ट्स इधर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो हम वो एरिया में हम बहुत स्ट्रांग है। हमारे ताकत के वजह से हम कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम इंडिया में ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये सच है क्या, ये इंडिया में भी हो सकता है, ये इंडिया में भी इंडिया में हो रही, और कई देश से हमको इतने ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन्स नहीं आए हैं। हम खुद हमारे देश के लिए वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इधर, हम इधर ही बना रहे, सारे मेनी स्टेट्स में है, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हम इधर बना रहे। सुचित्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक में जाने से पहले आइए देखते हैं कुछ वीडियोस जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं एज सजेशंस कि अगर वो एक दिन के लिए स्वास्थ्य मंत्री होते वो क्या करते।